हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको फिर से लेकर आया हूँ उदयपुर, और उदयपुर के ये सिटी पैलेस की जो बाहर का व्यू, ये इसकी जो मेन जो प्रवेश द्वार, इस प्रवेश द्वार का नाम है गणेश पोल, और इसके अंदर एक मुख्य गेट ये है, और यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे और गाड़ी वगैरह पार्किंग करके फिर आपको मैं लेके चलूँगा सिटी पैलेस की जो महल की तरफ, और अंदर का व्यू बहुत ही सुंदर है, वो मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। ये देखिए आप बाहर से कितना अच्छा है, और ये तोप भी बनी हुई है इधर गाइस। सिटी पैलेस के जो मुख्य प्रवेश द्वार के आगे तोपे पड़ी है, और ये है अंदर का पूरा व्यू। ये पूरा जो प्राचीन महल है, ये उदयपुर का जो सिटी पैलेस है पूरा, और अंदर पूरी सजावटी चीज़ें रखी गई है। अभी मैं आपको अंदर से पूरा दिखाऊंगा। ये बाहर का व्यू, गार्डन वगैरह बना हुआ है, देखिए पूरा यहाँ। ये सिटी पैलेस पिछोला जिले के किनारे राजस्थान में सबसे जो बड़ा शाही परिसर माना जाता है। इस शानदार जो महल का निर्माण वर्ष 1559 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। यहाँ जो महाराणा रहते थे और राज्य का संचालन करते थे, इसके बाद महल को उसके उत्तराधिकारी द्वारा और भी जो शानदार बनाया गया। यहाँ आपको गाइड भी उपलब्ध हो जाएंगे दरबार हॉल और इसमें जो क्रिस्टल गैलरी को देखने के लिए अलग से 700 रुपये टिकट लेना होगा। ये पैलेस उदयपुर का जो खास फेमस है, ये पैलेस सभी लोग देखने आते हैं। ये बहुत ही जो म्यूजियम अच्छा सुंदर बना हुआ है, इसके अंदर से आपको अभी दिखाएंगे पूरा बाहर का व्यू। आप देख लीजिए कितना जो अच्छा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए पूरा गार्डन में बहुत लोग आते हैं इधर, और चार्ज थोड़ा इधर महंगा है, 300 रुपये टिकट लेते हैं। और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, और ये है इसका मुख्य प्रवेश द्वार, देखिए किस प्रकार का बना हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं सिटी पैलेस का जो म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम के अंदर जो प्राचीन चीज़ें रखी गई है वो आपको पूरी दिखाते हैं। इस महल में आपको जो कई सारी संरचनाएँ देखने को मिलेगी, जैसे महल है, आंगन है, मंडप, गलेरियो, सतो, कमरे, और इसमें जो लटकते जो उद्यान हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जो राजपूत कला और इसमें संस्कृति के कुछ जो बेहतरीन तत्वों को प्रदर्शित करता है, जिसमें जो रंगीन चित्र से लेकर राजस्थानी महलों में पाए जाने वाले जो विशिष्ट इसमें जो स्थापत्य भी शामिल किए गए हैं। और गाइस, यहाँ मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा भोपाल सिंह, बहुत सारी यहाँ प्रतिमाएं रखी गई है। अरावली की गोद में बसा सिटी पैलेस का जो ग्रेनाइट और संगमरमर का जो किनारा, जो प्राकृतिक परिवेश की जो विपरीत है। अभी आपको दिखाते हैं महाराणा प्रताप जो कक्ष, इधर महाराणा प्रताप की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मैं रिगल महल की जो जटिल वास्तुकला, मध्ययुगीन और यूरोपियन, और साथ ही चीनी प्रभाव का भी एक आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। और कई गुबंदों और मेराबों और जो मीनारों से जो अलंकृत, और सिटी पैलेस खुद एक हरे भरे जो बगीचे में बसा हुआ है, और जो देखने के लिए यहाँ लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं। यहाँ आपको महाराणा प्रताप के पूरा जो इतिहास आपको देखने को मिलेगा, और अस्त्र शस्त्र और पूरी युद्ध के बारे में जानकारी, और अन्य शासक की आपको भी जानकारी मिलेगी। ये गाइस है स्वामी प्रेमगिरी धूनी। सिटी पैलेस के इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सिटी पैलेस का इतिहास मेवाड़ राज्य से जुड़ा हुआ है, जो उसमें नागदा के जो इलाके के पास अपनी ऊंचाइयों तक पहुँच गया था। राज्य के जो संस्थापक जो गोयल थे, जिन्होंने 568 ईस्वी में महाराणा जो प्रताप का जो प्रभुत्व स्थापित किया था, तो उनके उत्तराधिकारी महाराणा उदय सिंह को 1537 में चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य विरासत में मिला। लेकिन जो मुगलों के लिए जो राज्य का नियंत्रण खोने के खतरे में, उनके जो पिछोला जेल के जो पास एक क्षेत्र जो राजधानी जो स्थानांतरण करने के लिए मजबूर किया।
जंगल जिलों और शक्तिशाली जो अरावली जो पहाड़ी से घिरा हुआ उदयपुर का जो नया शहर जो आक्रमणकारियों से सुरक्षित था और एक भोज की सलाह पर एक महल का निर्माण भी करवाया। और अभी मैं ये पूरा दिखा रहा हूँ, ये पूरा सुंदर महल का जो अंदर का व्यू है। ये कुर्सी आज भी याद दिलाता है 12 दिसंबर 1799 में जब ब्रिटिश सम्राट जो पंचम जॉर्ज ने दिल्ली में जो ऐतिहासिक जो इंपीरियल दरबार जो आयोजित किया था, तब उनमें जो भारत के सभी नरेशों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आमंत्रण भेजा था। इस समारोह में जो प्रत्येक नरेश के लिए उनके जो निर्वासित स्थान पर एक विशेष कुर्सी रखी गई थी। महाराज फतेह सिंह जी ने अपने इसमें यशवल वंश के जो गौरव की रक्षा इस दरबार में सम्मिलित होने से अस्वीकार किया। और गाइस जो अन्य जो बातें थी इतिहास को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ बनाए जाने वाले जो पहला जो ढांचा राज जो अंगन था, यहाँ से जो परिसर के निर्माण का जो काम पूरे जोश के साथ किया गया और इसमें जो आखिरकार जो यह साल जो 1559 में पूरा हुआ। हालांकि जो तत्कालीन मौजूद ढांचों में जो कई बदलाव किए गए थे जो 400 साल की जो अवधि में पूरे हुए। इस महल के ऊपर की डिजाइन ये, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाणी विलास महल, ये है वाणी विलास महल। और गाइस में जो उदय सिंह द्वितीय जैसे शासकों ने यहाँ कुछ संरचनाएं जोड़ी जिनमें 11 छोटे अलग अलग महल थे। मेवाड़ के महाराजा की मृत्यु की जो बात उनके जो बेटे जो महाराणा प्रताप ने उन्हें सफलता दिलाई, लेकिन इसमें दुर्भाग्य से जो हल्दीघाटी युद्ध में अकबर से हार गए। उदयपुर जो मुगलों से जो आगे निकल गया था, लेकिन जो अकबर की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप के जो बेटे को उसमें लौटा दिया गया था। इस महल के जो वास्तुकला देखा जाए तो लगभग 244 मीटर और 30.4 मीटर की चौड़ाई के साथ सिटी पैलेस का जो मुख्य जो मुखौटा जो काफ़ी जो आकर्षण है। इस महल की जो एक विशिष्ट विशेषता भी है कि यह कई जो संरचनाओं के डिज़ाइन और निर्माण में जो कई सजावटी है और समय के साथ इसमें जो कई बदलाव भी किए गए। ग्रेनाइट और इसमें जो संगमरमर से निर्मित महल के जो अंदरूनी हिस्से का जटिल जो दर्पण, संगमरमर के जो काम और भित्ति चित्र और दीवार के चित्रों
चांदी की जो काम और उसमें जो रंगीन कांच से सजाया गया और बालकनी लंबा टावर और उसमें कपोल परिसर की संरचना भी जो सिटी पैलेस महल की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। महल की छत से जो शहर का एक जो आकर्षण दृश्य भी देखा जा सकता है। अंदर से जो सिटी पैलेस लंबे जो गैलरियों का एक बुलबुलिया जैसा दिखाई देता है जिससे इसमें दुश्मनों द्वारा की गई जो आकर्षणजनक जो महलों से जो बचने के लिए डिजाइन किया गया। सिटी पैलेस जो परिसर के जो प्रवेश द्वार में जो हाथी गेट है जिसे जो हाथी पुल के नाम से भी जानते हैं। शानदार महल के जो प्रवेश द्वार पर एक जो सुंदर जगदीश मंदिर भी है। इसके बाद जो बारी पुल या बड़ा गेट है जो आंगन का रास्ता जाता है जो बदले में जो त्रिपोली या त्रिक द्वार की ओर जाता है जो शहर के जो महल में शहर के पूरे जो दृश्य को देखते हुए कई जो शानदार इसमें जो अपार्टमेंट है। राज आंगन जिसका जो अर्थ होता है जो शाही जो प्रांगण परिसर का सबसे जो पुराना हिस्सा और इसमें जो महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाया गया था महल अब संग्रहालयों में जो तब्दील हो गया है। ये सभी जो भोपाल सिंह जी की वो तस्वीरें जो विभिन्न अवसरों में जो भेंट दी गई। यह है गाइस सुख निवास महल का जो व्यू। अभी गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ माणक महल की ओर और आपको माणक महल का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये है गाइस पूरा माणक महल जो कांच का बना हुआ है। ये मेवाड़ शासकों के लिए औपचारिक जो दर्शकों के लिए एक हॉल था। यह सूर्य मुख के प्रतीक जैसी जो आकृति देखी जा सकती थी। इस तरह की जो प्रतीक का सबसे जो बड़ा हिस्सा जो निचले स्तर पर एक स्वागत केंद्र सूर्य जो सौपड़ की दीवार पर भी देखा जा सकता है। और ये जो बर्तन जो प्राचीन काल में जो यूज होते थे वो सभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सभी वो बर्तन हैं जो घरेलू उपयोग और कृषि के लिए उपयोग होते थे। प्राचीन काल के सभी जो बर्तन यहाँ रखे गए हैं। ये म्यूजियम पूरा जो मेवाड़ शासकों का सामान इधर रखा गया है। अभी गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ अमर विलास महल की तरफ। अमर विलास एक जो ऊंचा बगीचा था जिसमें जो फुहारे मीनारे और उसमें सतों और एक जो शौकों संगमरमर टब से भरपूर एक जो अद्भुत टेरेस गार्डन है। महल के जो उच्चतम स्तर पर निर्मित यह वह जगह थी जहाँ जो राजा अवकाश के समय या जो समय बिताता था। अमर जो विलास जो बादी महल को भी रास्ता देता है।
और इस पैलेस में बादी महल को गार्डन पैलेस के रूप में जाना जाता है। यह जो इमारत प्राकृतिक चट्टान से बनी है, जो 27 मीटर ऊंची एक स्विमिंग पूल भी यहाँ स्थित है, जिसका जो उपयोग जो होली के उत्सवों के दौरान किया जाता था। यहाँ एक हॉल में जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के लघु चित्र और जग मंदिर के जो विष्णु के चित्र भी स्थित है। और फतेह प्रकाश महल को अब एक होटल के रूप में बदल दिया गया है। इसमें जो क्रिस्टल की कुर्सियाँ, ड्रेसिंग टेबल, सोफा टेबल और कुर्सियों और बिस्तर, क्रॉकरी टेबल, फारे और गहनों, जड़ी कालीन जैसी दुर्लभ वस्तुओं यहाँ जो मौजूद हैं। संयोग से इनका जो इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता, क्योंकि जब महाराणा सज्जन सिंह ने 1877 में इन्होंने दुर्लभ वस्तुओं का जो ऑर्डर दिया था, लेकिन यहाँ जब पहुँचने से पहले ही सज्जन सिंह की मृत्यु हो गई। इस पैलेस में दरबार हॉल स्थित है। दरबार हॉल अपेक्षाकृत नया जो अतिरिक्त हॉल है, और 1909 में फतेह सागर पैलेस में जो आधिकारिक कार्यों के लिए एक स्थल के रूप में बनाया गया था। हॉल को जो झूमर के जो साथ सजाया गया था, और इनमें जो महाराणा के चित्र और हाथियों का जो प्रदर्शन किया गया। और इस पैलेस में एक गैलरी है, जिसे अपने जो भीम विलास के नाम से जानते हैं, और जिसमें जो राधा और कृष्ण को चित्रित करते हुए और चित्रों का जो विशाल जो संग्रह किया गया है। यहाँ गई आपको जो सीनी चित्रशाला भी मिलेगी, जो बहुत ही सुंदर है, और सीनी और डस का जो टाइलों का संग्रह किया गया है। और इसमें आपको छोटी चित्रशाला भी आपको देखने को मिलेगी, और छोटी चित्रशाला मोर के चित्रों को समर्पित एक जो गैलरी है। यहाँ आपको जो मोर के विभिन्न सुंदर जो चित्र देखने को मिलेंगे। ये गई जो पुराने जो पैरवास जो पहनते थे, जो भी जो ड्रेस पहनी जाती थी, वो सभी दिखाई गई है। और इसके अंदर जो कृष्ण जो विलास जो कक्ष में लघु चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। और मानक महल भी इधर बना हुआ है, जो मेवाड़ शासकों के लिए जो औपचारिक दो दर्शनों के लिए एक जो हॉल था। यहाँ जो सूर्य जो मुख के प्रतीक जैसी जो आकृति देखी जा सकती है। इस तरह की जो प्रतीक का सबसे जो बड़ा जो इच्छा है, वो निचले स्तर पर एक जो स्वागत केंद्र या इसमें सूर्य चौपर की दीवार पर भी आपको देखा जा सकता है। मोर इसमें से एक शौक भी है इधर बना हुआ। ये जो कक्ष महल के जो आंतरिक क्षेत्रों का एक जो अभी अंग है, और इसमें जो तीन मोर का जो स्त्री जो चित्रण भी है, जो गर्मी और सर्दी और मानसून के मौसम का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। और मोर को जो कांस के जो 5000 टुकड़ों के साथ जो डिजाइन किया गया है, जो हरे और सुंदर और इसमें जो नीले रंगों के में समकाया गया है। ऊपरी स्तर पर एक इसमें जो प्रोजेक्टिव और बालकनी है। ये भी आप जानते होंगे सिटी पैलेस के बारे में, कि इसमें सिटी पैलेस में बहुत सी जो रॉयल वेंडिंग आयोजित हुई है। ये सभी जो वेंडिंग सिटी पैलेस के जो जनाना महल में आयोजित किया जाता है। ये महल उदयपुर सिटी पैलेस का ही एक प्रमुख जो इच्छा है। इस महल को 1600 दशक में जो बनाया गया, और यहाँ अब तक इसमें अनगिनत सारी शादियाँ हो चुकी है। जनाना महल में जो 500 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था भी है। रात के समय में जनाना जो महल मोमबत्तियों की रोशनी से चमकाया जाता है। देश के कई जो अरबपति रॉयल जो वेंडिंग के लिए इसमें जो जनाना महल की बुकिंग करवाते हैं। यहाँ इसमें जो डेकोरेशन जो 6 लाख से शुरू होता है, जो 35 लाख तक रहता है। सिटी पैलेस और बोट इसमें राइड की जो टिकट भी आपको यहाँ मिलेगी, इसमें जो बोट राइड जो है वो 400 रुपये। यदि आप भी सिटी पैलेस घूमना चाहते हैं, तो सिटी पैलेस जाने के लिए जो अक्टूबर या जो मार्च महीने में सबसे अच्छा समय माना जाता है। यहाँ आने के लिए ज़्यादातर पर्यटक सर्दी के दिनों में ही आते हैं। और उदयपुर जो पहुंचकर आप सिटी पैलेस सुबह जो 9:30 पे जा सकते हैं, और जो शाम 5:30 पे घूम के आ सकते हैं। तो उदयपुर जो आकर सिटी पैलेस घूमने के लिए सबसे जो अच्छा स्थान है। आप सुबह जो शाम यहाँ आए, क्योंकि इसमें दोपहर यहाँ कोई भीड़ नहीं रहती, और सुबह शाम सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, जबकि सुबह शाम आप शांतिपूर्वक सिटी पैलेस घूम सकते हैं।
और सिटी पैलेस के पास में जो देखने वाली जगह मैं आपको बता देता हूँ। सिटी पैलेस के आसपास जो पिछोला झील आप देख सकते हैं, जो उदयपुर में मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है। सिटी पैलेस से जो 3.5 किलोमीटर सहेलू की बाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत ही मशहूर है। और सिटी पैलेस के जो पास में एक और घूमने का है गुलाब बाग या चिड़ियाघर, वो भी बहुत अच्छा देखने का। और बता दें कि जो गुलाबघर में आपको जो ढेरों तरह के जो गुलाब देखने को मिलेंगे, गुलाबघर उदयपुर का सबसे जो बड़ा जो बगीचा माना जाता है। अगर आपके जो पास समय है तो सिटी पैलेस के करीब इसमें 7 मीटर दूर सज्जनगढ़ है, वहाँ भी आप जा सकते हो। यहाँ से आपको फतेहपुर सागर जो लेक देखनी हो तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, वो भी आप देख सकते हो। इसमें जो भूख लगने पर यहाँ जो आपके आस पास की मशहूर रेस्टोरेंट भी है, जैसे जो अमृत सागर भी है, सनसेट टेरेस भी है, बहुत सारी आपको इधर खाने लायक होटलें आपको मिलेगी। सिटी पैलेस जाने से पहले आपको ज़रूर जान लें कि इसका जो टिकट है वो है 300 रुपये, जो काफ़ी महंगा है। इसीलिए जो अपने बजट के जो अनुसार सिटी पैलेस घूमने का प्लान बनाए। अगर आपको जो सिटी पैलेस के जो अंदर जो म्यूज़ियम नहीं देखना है तो आप इसमें 30 रुपये मात्र टिकट लेके आप देख के आ सकते हो, और सुपर प्रॉपर्टी आप उसका नज़ारा का अंदाज़ भी उठा सकते हो। सिटी पैलेस के अंदर घूमना तभी सफल माना जाता है जब आप जो गाइड साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें गाइड द्वारा दी जाने वाली जानकारी जो बिना सिटी पैलेस में घूमना काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। और आपको जो ऑरेंज टैग के साथ जो गाइड मिल जाएंगे, जिनका इसमें जो फ्लैट रेट 200-250 रुपये, और यहाँ जो ऑडियो गाइड भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। दरबार हॉल और इसमें जो क्रिस्टल गैलरी आपको देखने के लिए अलग से 700 रुपये टिकट लेना होगा। बता दें कि पूरा जो सिटी पैलेस म्यूज़ियम को देखने में 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। सिटी पैलेस में जो मेवाड़ी घोड़े के आकर्षण केंद्र है, यहाँ जाकर इन घोड़ों का देखना ना भूले। और सिटी पैलेस झील के अंदर जो बोट में आप बैठ कर घूमना चाहते हो तो इसमें 350 रुपये चार्जेस है, आप घूम सकते हो और झील का जो अंदाज उठा सकते हो। और महल के जो बाहर की तरफ इसमें गार्डन बना हुआ, गार्डन ये झील के जो पास ही है, ये गार्डन झील के अंदर ही बना हुआ है। ये देखिए पूरा इसमें गार्डन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से आता है। झील भी आप बताएंगे और गार्डन भी बताएंगे। ये देखो गाइस पूरी झील बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। और शाम के टाइम ये अभी हम